कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच को लेकर कृषि विश्वविद्यालय के छात्र मोर्चा खोले हुए हैं। ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय के 100 से ज्यादा छात्र आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। छात्रों ने फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ पिछले 26 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों वो मानव श्रृंखला बनाकर विरोध भी जता चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, पिछले 26 दिनों से ये छात्र विरोध दर्ज करा रहे हैं, अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं विरोध दर्ज कराने का, लेकिन आज भी दरअसल खबर ये आई है कि कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं 100 से ज्यादा छात्र और वहां पर जाकर भी उन्होंने जिस तरह से विरोध वो अभी तक जाहिर कर रहे हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ से विरोध जाहिर किया गया। अब क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 26 दिनों से लगातार ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी की जो परीक्षाएं हुई थी, जो व्यापम ने कहे कि पीवी ने जो आयोजित कराई थी, उनको उनमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर ये तमाम छात्र आज यहाँ पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं ये बड़ी संख्या में यहाँ छात्र पहुंचे और लगभग 26 दिन से ज्यादा इनको हो चुके हैं। हर रोज अलग तरीके से ये छात्र प्रदर्शन करते हैं। अब इन्होंने नाम जो इस पूरे फर्जीवाड़े को दिया है वो है व्यापम घोटाला 2, यानी कि व्यापम घोटाला जो हुआ था उसी तरह व्यापम घोटाला 2 ये छात्र कह रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ आए हो बड़ी संख्या में, कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हो, आखिर क्या मांग है? जब मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इसकी जाँच हो रही है तो फिर क्यों ये कर रहे हैं आप? ये कितने दिन तक चलेगी ये जांच? क्या 10 साल तक चलेगी? या इसका भी एक दायरा सीमित होना चाहिए? कैसी भ्रष्टाचारी है? इमामा ने एक झटके में पूरी पोस्ट को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। वो जांच कितने साल तक चलेगी? वो पूर्व में कितनी जांचें सफल हुई? पीएमटी में आज क्लीन चिट दिया जा रहा है। किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ पहले ये? फर्जीवाड़ा ऐसा हुआ है कि इसमें पेपर लीक का मामला है। ऐसे लोगों ने टॉप किया है जिनको मीडिया ट्रायल तो करवाओ। आप टॉपर हैं, कलेक्टर महोदय के सामने बिठा के मीडिया ट्रायल करवाओ। भाई कितने विद्वान है वो तो बताएंगे। नहीं, हमें पूछो, हम बताते हैं कि हमारी जो औकात है, हम गधा है तो उस लेवल के नंबर ही तो आए हमारे। जो टॉपर आए हैं 96 और 98% नंबर ला रहे हैं, उनका मीडिया ट्रायल करवाओ, विशेषज्ञों का पैनल गठित करके भाई पूछो तो उनसे। ये वो लोग हैं जिनकी डिग्रियां कॉलेज में 7-7 साल में हुई हैं, जो 2011, 12 और 13 2011, 12, 13 पीएटी फर्जीवाड़े में ये सभी साथ संलिप्त थे। आप किस तरह की जांच चाहते हो? हम ये जांच चाहते हैं कि जो प्रशासन के ईमानदार और इष्टनिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा ये जांच हो और ये न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय के सुपरविजन में ये जांच हो। बिल्कुल, देखिए ये छात्र हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और लगातार जो है जिस तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए। आज 26 से पूरे 27 दिन यहाँ पे हो गए हैं और अब ये कलेक्टर आकर यहाँ पहुंच गया और यहाँ घेराव कर रहे हैं एक तरह से। हालांकि कलेक्टर अंदर, यहाँ कलेक्टर साहब जो हैं वो अंदर नहीं है, लेकिन तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। पुलिस की संख्या बढ़ी है छात्रों को देखते हुए, कुछ छात्राएं भी हैं। आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्या इस तरह की नौबत आ गई कि आपको कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ रहा? आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हम 27 दिनों से लगे हुए थे कि कुछ हो कुछ हो, आज तक जब कुछ नहीं हुआ है तो आज हम कलेक्टर साहब से भी पूछने आए। जो नेता है वो तो फर्जी हैं, अंगूठा टेके तो कलेक्टर साहब भी भूल गए कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। आज तक हम बेवकूफ बने, 7-8 साल से लगे हैं, 2 साल पहले तैयारी करी, आज तक लगे हुए हैं कि कुछ हो। पहले भी स्ट्राइक करी हजारों, उसके बाद पोस्ट आई, जैसे तैसे पोस्ट आई तो हम लोगों को उल्लू बनाया गया, पेपर लीक कराया गया। हमारे पास पैसा होता तो हम IIT कलेक्टर नहीं बन जाते। तो जिन लोगों ने जो लोग पास हुए या जिन लोगों ने टॉप किया वो आपके साथ के स्टूडेंट हैं? हाँ, हमारे साथ के, हम जानते हैं उन्हें प्रॉपरली। देखिए ये स्टूडेंट्स हैं और अब कलेक्टेड यहाँ पहुंच गए हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं या पुलिस का अमला है वो यहाँ पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से छात्रों में नाराजगी है, लगभग 27 दिन आज इनको हो चुके हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पे विरोध जता रहे हैं कांशा, और ये साफ तौर पर यही बात कर रहे हैं कि जो इस पूरे फर्जीवाड़े की एक जांच, जो मुख्यमंत्री खुद आदेश कर चुके हैं कि इसकी जांच होगी, लेकिन ये चाहते हैं कि या तो सीबीआई जांच हो या नहीं। वो सवाल उठा रहे हैं कि और कितने दिन लगेंगे इस जांच को पूरा होने में, और जिस तरह से गुस्सा है इन छात्रों के अंदर वो साफ दर्शाता है कि आगे की भी रणनीति पूरी तरह से तय कर चुके हैं, क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं, 26 से 27 दिन हो चुके हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, अब कलेक्ट्रेट भी पहुंचे, अब आगे की रणनीति को लेकर क्या कह रहे हैं छात्र?
तो देखिए लगभग 27वां दिन है आज इनका, और अलग अलग तरीके से हर रोज ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपने कॉलेज के बाहर के गेट पर खड़े हो जाते हैं। 12 बजे अमूमन यहाँ हर रोज अलग अलग तरीके से प्रदर्शन होता है, सरकार की अर्थियां जलाई गई, मानव श्रृंखला बनाई गई, अलग अलग तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा जिस तरीके से हुआ है उसका विरोध ये करते हैं। और अब ये कड़ी जो कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन है अब वो कड़े रुख में आ गया है, अब ये कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर से साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के अधिकारी बने हैं तो आप पढ़ाई का महत्व समझते हैं, ऐसे में अब ये छात्र जो पी भी बंद करो की तमाम तख्तियां लेकर, व्यापम घोटाला 2 की तमाम तख्तियां लेकर आज ये कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। और अब इनका यही कहना है कि आने वाले समय में इनका जो आंदोलन है वो और कड़ा होने वाला है। कंशा ठीक है वैभव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अभी आपने देखा छात्रों को कि किस कदर उनके अंदर गुस्सा है, नाराजगी जाहिर करते हुए, राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए, नारेबाजी करते हुए। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल और असम में कांग्रेस